हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर। हार्ट अटैक में पेशेंट्स को स्टंट लगाने के बाद में उसके मन में कुछ डाउट्स रहते हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टंट लगाने के बाद में हार्ट की जो मेडिसिंस रहती हैं वो बंद हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। स्टंट लगाने के बाद में आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेना है, खून पतला करने की और कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी रहती है ताकि आपको दोबारा से ब्लॉक ना हो। दूसरा ये कि डिस्चार्ज करने के बाद में घर जाने पर आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना है, आप अपने घर में घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेवल ग्राउंड पे आप चल सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा हैवी वेट या एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करना है। नेक्स्ट ये है कि खाने में सिर्फ दलिया और खिचड़ी खाना है, ऐसा नहीं है। खाने में आप नॉर्मल खाना ले सकते हैं, सब्जी, रोटी, फल फ्रूट, सलाद, दूध, दही, ये सब आप ले सकते हैं। ये रहता है कि आपको डिस्चार्ज करने के बाद में पेशेंट में डाउट रहता है कि नाना है या नहीं नाना है, तो आप घर जाके जरूर नहा सकते हैं, बात ले सकते हैं, लेकिन जहां पे आपको ऑपरेशन किया है, जहां से हाथ से या पैर से, उस जगह को सूखा रखें, वहां पे पानी न लगाएं। नेक्स्ट ये है कि आपको चुप रहना है, ज्यादा बात नहीं करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना नॉर्मल बात कर सकते हैं, जो भी चाहें वो बोल सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद में लाइफ एकदम बेकार हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजियोप्लास्टी के बाद में लाइफ आपकी ज्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि जो डिजीज थी उसको सही कर दिया गया है और आप ज्यादा अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। और एंजियोप्लास्टी के बाद में आप स्मोकिंग और एल्कोहल कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको स्मोकिंग और एल्कोहल एकदम से बंद कर देना है, क्योंकि ये आपके दोबारा अटैक की रिस्क को बढ़ा देते हैं। कुछ पेशेंट्स एंजियोप्लास्टी के बाद में वापस नहीं दिखाते हैं और वो एक बार जो मेडिसिन दी रहती है उतने ही लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको दोबारा जरूर कंसल्ट करना है। यदि आप दूर रहते हैं, वहां तक नहीं आ सकते हैं, तो अपने पास में जो भी क्लिनिक है, जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है कोई, वहां पे आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरे पेशेंट्स को फॉलो न करें। कुछ लोगों का यह रहता है कि हमारे पास में भी किसी को हार्ट अटैक हुआ, स्टंट लगा था, वो ये सारे काम कर रहा है, ये सब खा रहा है, तो उनको फॉलो न करें, क्योंकि हर पेशेंट्स का हार्ट अटैक अलग होता है। उसका कितना डैमेज हुआ है, कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज था, कितने उसके स्टंट लगे हैं, उसका इजेक्शन प्रेक्शन कितना था, और उसको साथ में कोई दूसरी दिक्कत है, शुगर है, बीपी है, ये था या नहीं, तो इस प्रकार से हर पेशेंट का हार्ट अटैक अलग अलग रहता है और हर को अपने डॉक्टर के अनुसार फॉलो करना है। तो ये कुछ कॉमन कन्फ्यूजन थे जो हार्ट अटैक के पेशेंट काफी पूछते रहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो ये जरूर देखें और इनको फॉलो करें।